नव युवक युवतियों, आप सबको नमस्कार। आज खून का जो रिश्ता नामक कहानी का जो रचनाकार है भीष्म साहनी जी, ये भीष्म साहनी जी लिखा हुआ कहानी का जो प्रश्नोत्तर, यानी ये कहानी में छः पात्र आते हैं, उसमें से आपको और एक बार याद दिलाते उसका जो प्रश्नोत्तर के अंतर्गत प्रश्न को समझाना, यानी प्रश्न का जो उत्तर बता के समझाना चाहता हूँ। पहला जो है, आप ऐसा ही सुनते सुनते याद कीजिए मेरे नव युवक युवतियों। पहला जो पात्र है चचा जाद मंगलसेन। दूसरा है घर का पुराना नौकर का क्या नाम है, संतु। तीसरा जो पात्र का जो नाम है बाबूजी। तीसरा चौथा है वीर जी। पांचवा है मनोरमा। और बीच में उस चौथा या पांच के बीच में जो आने वाला जो पात्र है माँ जी। इस तरह छह पात्र के अंतर्गत भीष्म साहनी जी खून का जो रिश्ता के बारे में बहुत बढ़िया सविस्तार जानकारी इस कहानी के द्वारा हमारे लिए परिचित कराया गया है। इसका मुख्य मुद्दे ये है कि ₹125 में सगाई डलवाना, ₹125, ₹1 चार आना में सगाई डलवाना। किसका? वीर जी का। वीर जी के जो पत्नी यानी सगाई किसके साथ होने वाला है? प्रभा। प्रभा का भाई भी अंत में एक चम्मच खोया हुआ जो रहते हैं ना, वो खोया हुआ चम्मच को लाके देकर मनोरमा के हाथ में देकर चला जाता है। ये चला जाने वाले जो विचार के अंतर्गत ही खून का रिश्ता नामक कहानी का उपसंहार भी हो जाएगा। शायद आप सबको अब तक मैं जो कहा उस विचार के अंतर्गत पूरा कहानी याद में आया होगा, नहीं तो भी जरा आप जो ध्यान से सुनने से, ध्यान से मनन जो करेगा उनके लिए मैं जो इतना जो कहाना उसके आधार पर आपको आराम से पूरा का पूरा कथा यानी कथा वस्तु याद में आना ही है। ठीक है मेरे छात्र छात्राएं, आप ये समझना चाहिए कि और एक बार अभी दो तीन जो टेस्ट हो चुका है ना, वो टेस्ट के अंतर्गत आपको आपका जो लिखावट मुझे समझ में आ रहा है कि 50 यानी 55 बच्चे में कुछ ही बच्चों का जो लिखावट बहुत बढ़िया है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रथम PUC के नव युवक युवतियों, सबका लिखावट ठीक नहीं है। मतलब है उसमें लिखावट शैली जो रहेगा, राइटिंग स्किल जो रहेगा, वो राइटिंग स्किल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू राइटिंग स्किल ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर राइटिंग वेरी नाइसली। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर जस्ट शुड इम्प्रूव। इन विच फील्ड? स्पेलिंग एज वेल एज अल्प प्राण महाप्राण ऐसा जो कहते हैं ना, उसके अंतर्गत अगर आप जरा मन के साथ ध्यान देकर सुधरने से बाकी का भी बहुत बढ़िया
हिज्जे के बिना आप लिख सकते हैं। अब तक जो कहा, अभी दूसरा जो टेस्ट जो हुआ ना 50 मार्क्स का जो टर्मिनल एग्जामिनेशन, उसमें थोड़ा सा 1% में 1% थोड़ा सा इम्प्रूव तरक्की। मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट को देखने से मुझे पता चला, ठीक है। इसी तरह दिन ब दिन आपके जो कमी को दूर करे, ऐसा आपके तरफ से भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। कोई बात नहीं है, भगवान भला करेगा। उसी के साथ साथ जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा कहावत जो है ना, उसी तरह आप कैसे प्रवचन सुनते हैं, कैसे आप काम करते हैं, उसके मुताबिक आपको ज़रूर मार्क्स मिलते जाएगा मेरे तरुणा तरुणियों। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवद गीता में श्री कृष्ण उवाचा, यानी श्री कृष्ण कहा ना, उसी तरह हम क्या करना चाहिए, वो काम में न्याय नीति धर्म के मुताबिक निभाने से ऊपर वाला मालिक, सबका मालिक एक है, वो मालिक आपको बहुत बढ़िया ही मीठा फल ही देगा। ठीक है, इतना बातों के यानी इतने भरोसे के बातों के द्वारा आप सभी आपके हाथ में पेंसिल रखिए। पेंसिल को रख कर अभी पहला दूसरा तीसरा 10 प्रश्न एक शब्द वाक्य या वाक्यांश में लिखिए। ऐसा जो प्रश्न है ना, प्रश्न के लिए मैं बताते जाऊंगा। आप पेंसिल से, मैं बार बार कहता हूँ पेन से मत लिखिए, पेंसिल से ही लिखिए, क्योंकि लिखावट की बहुत गलतियाँ जो रहते हैं ना, ह्रस्व की को दीर्घ, दीर्घ की को ह्रस्व जो लिखते हैं ना, आप कहते हैं कि सर बड़ा की ना, छोटा की ना, ऐसा नहीं कहना मेरे तरुणा तरुणियों। ह्रस्व दीर्घ कहना, अल्प प्राण महाप्राण कहना, ठीक है। ये सब के विचारों के आधार पर पहला जो प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। पहले लिखिए, चाचा मंगलसेन चिलम थामे क्या देख रहा था। सबको पता है चाचा मंगलसेन क्या देख रहा था, आप सबको पता है ना। पहला जो प्रश्न का जो उत्तर है, उत्तर है सपने। ठीक तरह लिखिए मेरे तरुणा तरुणियों, चाहे गलत ही लिखिए कोई बात नहीं है, मगर जो लिखते हैं वो सही सही लिखना अनिवार्य है मेरे तरुणा तरुणियों, ठीक है। दूसरा, घर का पुराना नौकर कौन था। अभी अभी जो कहा देखो, बीच में से कोई लड़का कह रहा है कि क्या क्या पा, संतु, वेरी गुड। देखिए संतु, हाँ संतु, इस तरह स्पष्टतः आदर्श लिखावट मुझे चाहिए, मुझे यानी आप सबके भलाई के वास्ते मुझे इस तरह आदर्श लिखावट अनिवार्य है। तीसरा है, संतु की पीठ पर क्या पड़ी। वेरी गुड, ये लड़की कह रही है देखो चाबुक। देखिए मैं किसी को भी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर भी आप झट से आपके मुंह से निकलते हैं, इसका मतलब है जब हम पढ़ाते हैं तब आप बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, सुनने की नतीजा ये है। इसके लिए मेरा जरूरत नहीं है, माँ बाप की जरूरत नहीं है, कर्म ही पूजा है,
कर्म को कौन पूजा के रीति में अनुसरण करेगा उनको इसी तरह जीव के यानी जीव में ही उत्तर तैरते रहते हैं। जब समय आएगा ना तब उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी छात्र छात्राओं को? चौथा, किसका स्वप्न सचमुच साकार हो उठा? किसका? किसी को भी। इसका मतलब है मेरा गलती है ना? अगर उत्तर आपके मुंह से नहीं आने से मैं मानता हूं कि मैं आपको ठीक तरह नहीं समझाया। ओह देखो अभी अभी लास्ट बेंच में है, जो लास्ट बेंच वालों को यानी थोड़ा सा स्मरण आया उसके वास्ते कह रहा है कि वेरी गुड मंगल सेन। मजाक के वास्ते कह रहे हैं मंगल पांडे, वो नहीं है मंगल पांडे, नहीं है मंगल सेन। ठीक है, वेरी गुड। पांचवा, लड़की की पढ़ाई कहां तक हुई थी यानी प्रभा की पढ़ाई कहां तक हुई थी? ठीक है, कहो जोर से कहो, वेरी गुड। बी ए। बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी ए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स। समझ में आ रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है ना? क्यों लिख रहा हूं? आप आपके जो पाठ्यक्रम में ही रहेगा, पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रहेगा, मगर आप कभी कभी किस कारण मुझे पता नहीं चल रहा है आप कभी कभी गलत लिखते हैं, इसलिए उसका रूप को देखकर उसका मूल्यमापन करते मुझे खेद हो रहा है, इसलिए उसके लिए मौका मत दीजिए। ठीक है, ओके। सिक्स्थ वन, छठा, बाबूजी के सामने कितनी चांदी की कटोरियां रखी हुई थी? तीन। गुड। तीन चांदी की कटोरियां। उसी के साथ साथ आंसर में नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं, आपको याद दिलाता हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं, तीन कटोरियों में तीन चांदी के चमचमा चम्मच भी रखे थे। ये क्यों कह रहा हूं? कहानी को याद दिला रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तीन। सातवां, देखो बीच में ही कह चुका, वेरी गुड, ऐसा अग्रणी यानी अग्रज जो कहते हैं ना, उसी तरह आप रहना चाहिए, पेशगी जो कहते हैं उसी तरह आप रहना चाहिए। देखो मैं प्रश्न भी नहीं कहा यानी नहीं पढ़ा, फिर भी उत्तर आपके बीचों में से एक के मुंह में से निकला, इस तरह आप पेशगी का जो काम करना चाहिए, वेरी गुड। फिर भी देखिए सातवां प्रश्न, वीर जी की बहन का नाम क्या है? मनोरमा। देखिए मनो रमा, क्योंकि मैं पाठ पढ़ाते समय पात्र परिचय कराते समय पूरा अभी भी मैं कहा ना उसी तरह लिख के दिखाया था, उसको एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा, उत्तर भी पता चलेगा मेरे तरुणा तरुणियों। ठीक है, क्या है? मनोरमा। आठवां जो प्रश्न का उत्तर, प्रभा की सगाई किनके साथ हुई? किनके साथ? अरे 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 अरे, क्यों आप इतना शर्मा रहे हैं? आपके जीवन में भी एक ना एक दिन
सगाई होने वाला है इसलिए शर्मा रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो क्या ये खून का जो रिश्ता जो है ना, वो रिश्ता के कहानी के मुताबिक कही है किसके साथ? वीर जी गॉड। वीर जी गॉड नाइन्थ वन। एक चम्मच की कीमत कितनी मानी गई है? कितनी है? 5 रुपये। कितना? 5। ऐसा स्पष्टतः चांद बिंदु देना है, वो भी कहां पा अक्षर के ऊपर ही देना चाहिए मेरे तरुण तरुणियों, चा के ऊपर नहीं देना, नहीं तो शुरू में ही नहीं देना। ये प और आ मात्रा जहां पर आएगा ना उसके ऊपर ही चांद बिंदु देना है। समझ में आ रहा है ना नव युवक युवतियों? देखियो वो थर्ड बेंच वाले इधर उधर देख रहे हैं, इस तरह करने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रभा का भाई वीर जी के घर क्या देने आया था? क्या देने आया था? क्लू देना। खाना खाते समय कुछ बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, चम्मच। ओ, चम्मच देने आया था। चम्मच कुछ बच्चे समझ सकते हैं कि क्यों LKG UKG बच्चों के जैसे बोर्ड पर लिख के दिखा रहे हैं ये सर का दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बच्चे मानते होंगे। ठीक है, ऐसा आप माने तो भी कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करूंगा, मगर आप सबका लिखावट मुझे साफ सुथरा बहुत बढ़िया लिखना या देखना मैं चाहता हूं, इसीलिए एक बार लिख के दिखा रहा हूं। मेरे छात्र छात्राएं अनुसरण कीजिए। अभी समझ में आया ना 10 प्रश्नों का उत्तर? देखिए, सपने संतु चाबुक मंगलसेन BA 3 मनोरमा वीरजी 5 रुपये चम्मच देने। ठीक है, इस तरह साफ सुथरा लिखिए। देखिए BA वहां पर भी बिंदी यानी नुक्ता कहते हैं, नुक्ता को भी देना। सिर्फ उदाहरण कह रहा हूं, नुक्ता के बिना भी लिखते हैं कुछ बच्चे, ऐसा नहीं लिखने का है, क्योंकि हिज्जे लिखावट का शैली जो का है ना, वो शैली के मुताबिक वहां पर बिंदी यानी नुक्ता जो कहा ना वो भी रखना अनिवार्य है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, इस तरह लिखने की आदत में आप जरा निरंतर इस बार यानी प्रथम वर्ष में इस तरह मैं जो कहता हूं उसको आप अनुसरण करते अगर नोट्स तैयार कर रहे तो देखिए छात्र छात्राएं अगले साल यानी सेकेंड ईयर PUC में मैं बार बार कहता हूं इस बार कैसे 100 अंक के लिए 100 अंक लेके एक छात्रा पास हो चुकी है, उसी तरह आप भी अगले साल द्वितीय PUC में आओगे ना, तब आप भी इस बार एक
अगले बार दो, उसी तरह आपका जो संख्या वृद्धि होना चाहिए यानी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे लिख कर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? ओके गुड। नेक्स्ट चार पांच वाक्यों में लिखने वाला जो प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न इसमें आठ है। पहला जो प्रश्न है, वीर जी के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए आपको पता है कि पहला जो पैराग्राफ में है ना, वहाँ पर यहाँ पर है पेज नंबर 156 में जो है वहाँ पर आप पहला और दूसरा जो स्टैंजा में रहने वाला उत्तर को जरा ढूंढ के लिखिए, ठीक है? दूसरा, मंगलसेन को अपने हैसियत पर क्यों नाजता? देखिए, क्योंकि वो मिलिट्री में था ना, इसीलिए। ये भी पेज नंबर 158 जो है वहां पर, और 59 में भी है। सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उस दो पृष्ठ संख्या में ही है, वैसा मत मानिए। जहां पर रहेगा उसको भी आप क्या करना चाहिए, कोट करके अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट तीसरा, संतों का परिचय दीजिए। संतों का परिचय यानी पेज नंबर 157 में संतू घर का पुराना नौकर था, जैसे पहला ही पंक्ति में जो है ना, वो पहला पंक्ति के साथ साथ यहां पर मैं पृष्ठों का संख्या नहीं बता रहा हूं। जहां जहां पर संतू के बारे में विचार मिलेगा वहां पर उसको एक तरफ अपनी भाषाओं में सही सही लिखावट लिखना अनिवार्य है, ठीक है? नेक्स्ट चौथा, समतियों के घर मंगलसेन की आवभगत कैसे हुई? आवभगत यानी अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार यानी वहां पर आके एक आदमी झुक के आपको और दूध चाहिए दादाजी यानी मंगलसेन जी, ऐसा जो पूछते हैं ना, वो पूछने वाले जो विचारों को आप क्या करना चाहिए, लिखना पड़ेगा। कहाँ पर है? पेज नंबर 160 में, और बड़ी आग्रह से झुक कर पूछने लगा, ऐसा है ना, उस जो वाक्यों को, वाक्यों के साथ साथ आप जरा लिखना अनिवार्य है, ठीक है? समझ में आ रहे हैं ना आप सबको? ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट पांचवा, बाबूजी सगाई में केवल 125 ही क्यों लेना चाहते थे? इसको पाठ्य पुस्तक के आधार पर और उसी के साथ साथ कथा को सुनते हैं ना, उसके आधार पर भी आप अपने शब्दों में भी कहानी को लिख सकते हैं यानी इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। और एक बार, बाबूजी सगाई में केवल 125 ही क्यों लेना चाहते थे? उदाहरण के अंतर्गत बाबूजी पहले ही कहते थे कि पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए उस जो विचारों को यानी धूमधाम से शादी कराते हैं लोग, मगर बाद में पछताते हैं, वो पछताने से पहले ये सभी यानी पैसे को बचत करने से क्या होगा, यानी जब जरूरत पड़ेगा ना तब हमें आसानी से उसको खर्चा जो कर सकते हैं, इसीलिए बाबूजी 1 रुपये 4 आने में ही सगाई डलवाना चाहते थे, ऐसा लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ
आप ये पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रहने वाला कुछ जो विचारों के अंतर्गत विचारों के जो पंक्तियां जो है ना वो पंक्तियों के जरिए आप अपना उत्तर तैयार कीजिए, ठीक है। छठा यानी सिक्स्थ वन, समधि अंदर से ताल में क्या क्या लेकर आए। देखिए समधि अंदर से क्या क्या लेकर आए ताल में। यहां पर है देखिए पेज नंबर 165 में है, देखिए 165 में आखिर समधि अंदर से एक ताल ले आए। कहाँ पर? एक छोटे छोटे दो तीन पंक्तियों का पैराग्राफ है ना, एक दो तीन चार पाँच छ पैराग्राफ में, यानी छठा पैराग्राफ में अभी जिस प्रश्न को मैं पढ़ा उस प्रश्न का उत्तर वहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में नहीं आता सिर्फ पृष्ठों की जो संख्या लिखी है बाद में पढ़िए, और एक बार कह रहा हूं 165 फिफ्थ पैराग्राफ छठा पैरा। ओके नेक्स्ट सातवां, चम्मच को जाने पर वीर जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। पेज नंबर 166 में यहां पर भी एक दो तीन चार पांच छठा जो पैराग्राफ में माँ जी दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी माँ जी से गले मिल मिल कर बधाई देने लगी जो है ना वहाँ से लेकर जो लिखी है वहाँ पर है, और जहाँ पर जो अलग अलग जो पंक्तियों में भी उसका जो उत्तर आपको मिल सकता है ये और वो दोनों को मिला के आप अपना बढ़िया उत्तर तैयार कीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट लास्ट वन, खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, क्योंकि ये खून का रिश्ता जो उद्देश्य किस लिए भीष्म साहनी जी इसका जो रचना की है, यहाँ पर शुरू में ही लेखक परिचय है ना, लेखक परिचय के नीचे परिचय होने के बाद दो पैराग्राफ में है प्रस्तुत कहानी भीष्म साहिनी सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का सवा रुपये में ही सगाई पर बल देना, मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होता, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार एक चम्मच को जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई का द्वारा चम्मच का वापस ला कर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। ये सारे प्रासंगिकों को बताने के लिए आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता, देखिए चकाचौंध धूमधाम से मनाते हैं, आपको भी पता है, मैं अखबारों में एक पढ़ा मगर पढ़ने के बाद एक विचार जो पढ़ा ये शादी के अंतर्गत ही, मगर एक दुल्हन जो कहते हैं ना उनका जो किसी ना किसी कारण के वास्ते माँ मरे, माँ मरने के बाद वो एक साल के अंदर ही उस लड़की का शादी कराना है, वैसा बुजुर्ग लोग तय किए, तय करने के बाद उनके रिश्तेदारों वो रिश्तेदार हो सकता है उनके लिए, ये बहुत अमीर वाले इसलिए उनके लिए बहुत धूमधाम से कम एक करोड़ का एक कार वगैरह जो दे के शादी करा के दिए। आप कोई भी गलत मत मानिए कि फर्स्ट नाइट जो कहते हैं ना तब ही उन्होंने पूरा का पूरा गले भर पी कर गया, मगर उसको देख के वो लड़की जो है वो मना करके बाहर आई, बाहर आके इसके साथ मैं नहीं रहूँगी, इस तरह का जो लड़का मुझे नहीं चाहिए, वैसा बाद में उन्होंने जो क्या किए। कैसा भी हो आजकल का चकाचौंध के जीवन में इस तरह बाद में
क्या है आप सबको पता है ना, डाइवर्स डाइवर्स डाइवर्स, वो देने के लिए इतना करोड़ों पैसे व्यय करना पड़ेगा क्या? आज का मानवीय मानवों के बीच में संघर्ष इस तरह होता है ना, उसके लिए रिश्ता नहीं है, सम्मान नहीं है, कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास है, इसलिए खर्चा करते हैं। ठीक है, मगर वो खर्चा करने से भी थोड़ा सा सार्थक होना चाहिए ना मेरे तरुण तरुणियों। सार्थक नहीं होने से वो पैसा का मूल्य कहाँ जाएगा? इसलिए ज़रा सोचिए, समझिए, काम कीजिए, तब ये सार्थक। हम सब मिलकर बुजुर्गों की बात को सुनकर आप क्या करना चाहिए, ज़रा आगे का जो कदम बहुत जिम्मेदारी के साथ रखते आप आगे बढ़ने के लिए ज़रा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कैसा भी हो मेरे तरुण तरुणियों, नवा युवक युवतियों, आपके माँ बाप की जो बात सुनिए, बुजुर्गों की बात सुनकर वो सही है या गलत है ज़रा सोच समझ कर काम करे तो भगवान आप सबको भला करेगा। इसी आशा के साथ साथ ये कुन का जो रिश्ता नामक कहानी समाप्त हुआ। ये सारे के सारे जो विचार को मनन कीजिए, मनन करके आप बढ़िया जो टेस्ट हो या इसी तरह टर्मिनल टेस्ट हो या न अर्धवार्षिक परीक्षा जो है, तब भी आप क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया उत्तर लिखने के बारे में आप निरंतर काम कीजिए, हमेशा काम। और एक बार कहता हूँ, कर्म ही पूजा है। इस तरह आपका कर्म क्या है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जो पढ़ते हैं उसको लिखना लिखना लिखना, मनन करना, हिज्जे के बिना यानी गलती के बिना, हिज्जे की गलती के बिना आप लिखने की तरह प्रयास कीजिए मेरे छात्रों छात्रों। इसलिए आप सबको और एक बार लिखावट की जो शैली को अनुसरण करने के बारे में मैं दोबारा कहकर इस कक्षा को समाप्त करूंगा। आप सबको भगवान भला करे।